सभी को जय जोहार। जिम्मेदारी जिम्मेदारी आप सभी को सेवा जोहार। आज राजस्थान से कोंडागांव बस्तर छत्तीसगढ़ 1,500 किलोमीटर दूर से आपने मुझे दिल से किया और मुझे आने का सौभाग्य मिला और आप सबका जो स्नेह आप सबके अंदर एक अपना तरह की भावना ने हमारा दिल जीत लिया है। आज गोरखा समाज समन्वयक समिति के द्वारा ठाकुर जोहार जी कार्यक्रम हमारे आदिवासी समुदाय के पुरखों द्वारा इस फसली त्योहार को पूरे देश के अंदर मनाया जाता है। ये बात अलग है कि अलग अलग इलाके के अंदर अलग अलग प्रकार अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन ये जो फसली त्योहार इसके बारे में जैसे मैंने समझा मुझे इलाके के अंदर हम भील समूह से आते हैं, आदिवासी समाज का डीएनए और ये आदिवासी समाज का डीएनए होने की वजह से आदिवासी जिंदा है और यही आदिवासी आज आपके बीच में खींच के लाई हमें। साथियों मंच विराजमान हमारे समाज आदिवासी समुदाय के सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और हमारे बीच में आगे स्थानीय सांसद महोदय स्थानीय विधायक महोदय भी आए थे, उनका भी मैं ओर से प्रारंभ से सेवा त्योहार करना चाहूंगा। साथियों आप सबके दिमाग में कई प्रकार के सवाल से चल रहा था कि राजस्थान से राजकुमार और सांसद वो यहां पर आए, मुझे उस आने के लिए जनता ने रात दिन मेहनत करके मुझे सांसद बना के दिल्ली के अंदर भेजा और ये लेकिन पूरे देश के आदिवासी दलितों का भी प्रतिनिधित्व दिल्ली में करना है ये जिम्मेदारी मुझे दी गई और इसी अपनत्व की वजह से आज आपने मुझे आमंत्रित किया। साथियों मैं इस इलाके में पहले आया था, विधायक था और मेरे पूर्व विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस जनता ने मुझे दो बार विधायक बनाया और वो भी राजस्थान के अंदर हाईएस्ट मतों से जिता के भेजा और तीसरी बार मुझे सांसद बनने का अवसर मिला। दो बार विधायक एक बार सांसद बना, जनता ने बनाया। अगर मैं आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट नहीं लगाता तो शायद मुझे सांसद बनने का विधायक बनने का अवसर नहीं मिलता। होता कुछ भी होता लेकिन समाज का सर्टिफिकेट नहीं होता तो मुझे सांसद बनने का अवसर नहीं मिलता। मैं सांसद नहीं बनता तो शायद आप मुझे यहाँ पर बुला के आमंत्रित करके मान सम्मान नहीं देते। जो कार्यक्रम है ठाकुर जोहार जी हमारे पूर्वजों को हमारे देवताओं को पूछ के नई जो फसल तैयार होती है इसके बाद हम लोग हमारे अन्य गतिविधियां और उस फसल का हम हमारे जीवन में खान पान में उपयोग में लेते हैं। मैं पूर्व
उठा था, और कल से आया तब से मैं यहाँ के लोगों की मनोस्थिति जो स्थितियां हैं सारे के बारे में समझ रहा था। साथियों, हमारा देश को विदेश में जो पहचाना जाता है, इस देश के प्रधानमंत्री महोदय हो या हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय हो, कभी भी विदेश में जाते हैं तो जो मंच पे बुलाया जाता है, मंच पे बुलाने से पहले क्या कहा जाता है कि उस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय है, जिस देश को महान कहा जाता है, क्या संबोधन दिया जाता है कि इस देश के प्रधानमंत्री या उस देश के राष्ट्रपति महोदय है, जिस देश को महान कहा जाता है, उस देश में अतिथि देवो भव कहा जाता है, मतलब मेहमान होता है, ये कहा जाता है, उस देश से हम ये आए, ये संबोधन दिया जाता है। ये संबोधन दिया जाता है कि भारत देश में विविधता होने के बावजूद, अनेक धर्म, अनेक संस्कृति, अनेक जातियां होने के बावजूद भारत देश के अंदर एकता है, को विदेश में संबोधित किया जाता है। साथियों, अतिथि देवो भव, हम सरकारी कार्यालयों में देखते हैं, हम सरकारी गाड़ियों के पीछे देखते हैं, सरकार के बड़े बड़े पोस्टरों में लिखा रहता है अतिथि देवो भव, मतलब हमारे गांव में, हमारे जिले में, हमारे देश में जो आया मेहमान, उसको भगवान के बराबर माना जाता है। लेकिन यह शब्द ओनली आदिवासी इलाके के अंदर ही वर्तमान में स्थापित है, आदिवासी समुदाय में ही स्थापित है, क्योंकि आदिवासी समुदाय के अंदर किसी भी गांव में, किसी भी घर में कोई भी अज्ञात व्यक्ति, अनजान व्यक्ति चला जाएगा तो उसको मान सम्मान बिठाया जाएगा, पानी पिलाया जाएगा, चाय पिलाया जाएगी, कोई पहचान नहीं हो इसके बावजूद पूछा जाएगा आप कहां से बराबर पैमा पहचान में नहीं आए। यही बात शहर में जाएंगे, अंजान व्यक्ति जाएगा, दरवाजे पे रोक लिया जाएगा, कौन हो, किस लिए आए हो, ये पूछा जाएगा, इसके बाद उसको प्रवेश दिया जाएगा। तो अतिथि देवो जो बहुत शब्द है वो रीति रिवाज और आदिवासी समुदाय के अंदर से हमारे अतिथि जो आज देवो बहुत संबोधन के साथ, तो ये अतिथि देवो भव आदिवासी समुदाय की संस्कृति से निकला हुआ है, जो विदेश में आज प्रचलन में और हमारे देश में मजबूत शब्द के रूप में यूज किया जाता है। साथियों, एक सवाल आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है कि सांसद देश में बहुत हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में भी हैं, लेकिन आपने यहां पर क्यों बुलाया और मैं यहां पर क्यों आया, ये सवाल है। मैं सांसद के रूप में हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मुझे जिम्मेदारी मिली है, जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के मुझे सांसद बनाया गया है, उस समाज का कर्ज उतारना है, ये सोच के मैं रात दिन मेहनत करता हूं, काम करता हूं, इसीलिए आपने मुझे यहां पर। साथियों, हमारे समाज की अगर बात करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, आजादी से पहले अंग्रेजों से लड़े, राजा राजा से लड़े, सामंतों से लड़े, मुगलों से लड़े, अगर आजादी के पहले का चर्चा निकाल कर देते हैं तो इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई शहीद हुआ है तो वह आदिवासी समुदाय का व्यक्ति शहीद हुआ है। भारत देश को आजाद कराने में अगर सबसे ज्यादा किसी का खून बहा है तो वो आदिवासी समुदाय का है, हमारे पूर्वजों का है। लेकिन दुख की बात यह है, कि हमारा इतिहास कई किताबों में, कई पाठ्यक्रमों में एक छोटी दो लाइन की बात हो गया। आजादी के बाद का अगर देखें,
इस देश में अगर प्रतिदिन कई अत्याचार होता है, इस देश में विस्थापन होता है, तो सबसे ज्यादा अत्याचार और सबसे ज्यादा विस्थापन हो रहा है तो आदिवासी समुदाय का हो रहा है। आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में हो, झारखंड में हो, बड़े राजस्थान में हो, लेकिन विकास के नाम से अगर विस्थापन हो रहा है तो सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय का है। ये जो कागज पकड़ाया गया, हमारे आयोजन कमेटी ने बताया कि इन इन मुद्दों पे बात करना है। साथियों, हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, ये हमारी आइडेंटिटी है। अगर वो आइडेंटिटी नहीं रहेगी तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, और पहचान खत्म हो जाएगी तो प्रमाण पत्र मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, और प्रमाण पत्र मिलना मुश्किल हो गया तो हम अधिकारी नेता बनना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी जो संस्कृति है, कई लोग पढ़े लिखे बनने के बाद, अधिकारी नेता बनने के बाद ये कहते हैं कि ये तो पुराने जमाने का काम है। हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी पूजा पद्धति के बारे में कुछ लोग तर्क देते हैं कि जमाना बदल गया है, हमको बदलना पड़ेगा, कब तक ऐसे में ऐसे रहोगे, ये कहा जाता है। लेकिन वो उसको उस काबिल कहलाने के लिए और उस काबिल बनाने में संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। जो व्यक्ति ऊपर जाके ये बोलता है, उसको उस काबिल बनाने में इस संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे आदिवासी समुदाय की संस्कृति, हमारी परंपरा, रीति रिवाज हमारे विकास में कहीं पर भी बाधक नहीं है, वो हमेशा सहायक के रूप में काम करती है। हमारी संस्कृति हमारे विकास में सहायक है, न कि बाधक है। बाधक नहीं है, सहायक है। साथियों, इस देश दुनिया में जो माहौल बना वर्तमान के अंदर, और छत्तीसगढ़ इतना सुंदर इलाका है, भौगोलिक दृष्टि से स्वर्ग है, यहाँ के लोगों का जो व्यवहार है, हमारे समुदाय के अंदर जो प्रेम भावना है, वो अन्य इलाकों से सबसे बढ़िया हमारे यहाँ के लोगों का दिल है, मन साफ है। एक सुंदर छत्तीसगढ़ को पूरे देश में अलग नजरिए से देखा जा रहा है। आज मुझे दुख है इस बात का, एक सुंदर छत्तीसगढ़ जो भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से यहाँ के लोगों का व्यवहार, यहाँ के लोगों का प्रेम भाव पूरे देश से बेस्ट है, लेकिन छत्तीसगढ़ को पूरे देश में वर्तमान में एक अलग नजरिए से देखा जाता है। दिल्ली देश की राजधानी में कोई न्यूज होती है, यहाँ राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कहीं पर भी छत्तीसगढ़ के बारे में सबसे पहले अगर कोई बात आती है तो कोई भी न्यूज छपती है तो एक ही बात बोली जाती है उस न्यूज में। क्या बोला जाता है कि नक्सलाइट इलाका, आज मैं छत्तीसगढ़ आया तो जो आदिवासी समुदाय के विरोधी जो विचारधारा के लोग हैं, वो राजस्थान में भी कह रहे हैं कि राजकुमार रोज नक्सलाइट इलाके में गया है। राजस्थान या किसी भी देश के कोने में ये किसी भी न्यूज़पेपर में आज तक ये नहीं छपा कि छत्तीसगढ़ भौगोलिक दृष्टि से सबसे सुंदर है, वहां पर आदिवासी समुदाय रहता है और आदिवासी समुदाय की एक विशेष पहचान है, एक शानदार कल्चर है, ये कहीं नहीं बताया जाता। बस यही बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ खराब है, एक कलंक लगा दिया है। मैं पिछली बार आया था, जब विधायक था, मैंने सुना 11-12 साल की बच्ची को नक्सलाइट कह के मारा गया। इस बिंदु में भी लिखा है कि आदिवासी समुदाय को कुछ लोग प्रशासन के सहयोग से इनको बदनाम करके नक्सलाइट का दब्बा लगा के उनको मार दिया जाता है। पिछले 8 महीनों के अंदर छत्तीसगढ़ में 150 के आसपास लोगों को मारा गया है नक्सलाइट के नाम से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे निर्दोष थे, हैं कुछ लोग गलत, लेकिन इसमें कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे निर्दोष हैं।
हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये किस लिए हो रहा है? यहाँ पर मैंने एक चीज देखा, इस इलाके के अंदर कई इलाका ऐसा है जहां पर आदिवासियों की स्थिति कैसी है वो नहीं पता है। आदिवासियों को एजुकेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो नहीं पता है। आदिवासियों के गांवों तक सड़क जा रही है वो नहीं पता है। और कई इलाका ऐसा है कि उन इलाकों के अंदर आदिवासी समुदाय के आधार कार्ड भी नहीं बने हैं, वोटर आईडी भी नहीं बने हैं। लेकिन दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के एक एक पहाड़ में कौन सा मिनरल है, कहां से कोयला निकल रहा है, कहां से आयरन निकल रहा है, कहां से सोना निकल रहा है, ये सारा खंगाल लिया सरकारों ने, लेकिन आदिवासियों की स्थिति के बारे में ज्यादा खंगाला नहीं है। एक एक पहाड़ छत्तीसगढ़ का एक एक इलाके की एक एक मिनरल के बारे में सरकार के पास रिपोर्ट है कि इस इलाके में यह आयरन निकलेगा, इस इलाके में सोना निकलेगा, यहाँ पर कोयला निकलेगा, यहाँ पर बॉक्साइट निकलेगा, ये सब आंकड़ा है। लेकिन किस इलाके में आदिवासी की क्या स्थिति है ये आंकड़ा सरकारों के पास नहीं है। ये सामाजिक कार्यक्रम है, मैं यहाँ पर राजनीतिक बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है कि आदिवासी समुदाय का विस्थापन, साथियों मैंने देखा पिछले इलाके के पिछले समय में इस देश के अंदर ट्राइबल प्रोजेक्ट बनाए, 1972 के अंदर एक कलाई सरकार, केंद्र सरकार, और पूरे देश में अभी तक 56 से 57 ट्राइबल प्रोजेक्ट किए, ट्राइबल प्रोजेक्ट बनाए, और इसमें से 70 से 80% टाइगर प्रोजेक्ट ओनली फॉर आदिवासी इलाके के अंदर बनाया जा रहा है। अब तक टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से पूरे देश के अंदर पिछले जो समय निकला उसके अंदर हम दिखा के निकल के देखे तो 5,56,000 आदिवासियों को विस्थापित किया गया टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से। आपके यहाँ पर भी शायद बीजापुर में टाइगर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इससे चौंकाने करने वाली बात 1972 से लगा के 2021 तक 2.5 लाख आदिवासी विस्थापित हुए, लेकिन 2021 से 2024 तक मात्र 4 साल के अंदर 3 लाख लोग विस्थापित हुए, 3 लाख लोग विस्थापित किए गए ट्राइगर प्रोजेक्ट के नाम से। यहाँ पर माइनिंग होता है दबा के, हम देश के विकास में बाधक नहीं है, लेकिन जो विकास आदिवासियों का नाश करके किया जाता है वो विकास हमारी नजर में गलत है। हमने देखा पिछले इलाके के अंदर फॉरेस्ट के अंदर जो आदिवासी रह रहा है वर्षों से, आजादी से पहले से, उसके लिए एनडीए की सरकार 2006 में फॉरेस्ट एक्ट लाई, लेकिन छत्तीसगढ़ का ही मैंने आंकड़ा निकाला, पिछले 5 साल के अंदर 100 से 200 हेक्टेयर जमीन भी फॉरेस्ट एक्ट के तहत आवंटन नहीं किया गया, लेकिन पूरे देश में वन विभाग की 18,982 हेक्टेयर जमीन प्राइवेट कंपनियों को दी। कितने? 18,982 हेक्टेयर जमीन प्राइवेट कंपनियों को फॉरेस्ट की जमीन दी गई, लेकिन एक बेचारा गरीब आदमी जो आजादी से पहले वन विभाग में रह रहा है वो आज भी पट्टों के लिए तरस रहा है। आपके छत्तीसगढ़ के अंदर भी पिछले 5 साल के अंदर 2,280 हेक्टेयर जमीन फॉरेस्ट की प्राइवेट कंपनियों को दिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ का आदिवासी समुदाय को 200-300 हेक्टेयर भी आज तक कितना चाहिए उस आदमी को रहने के लिए, 1 या 2 बीघा चाहिए, लेकिन वो भी आज तक नहीं मिल पाया। साथियों लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई राजनीतिक करने की भी नहीं है, ये लड़ाई जो हमारे पुरखे लड़के गए, हम बिरसा मुंडा जी को याद करते हैं, गुंडाधर बाबा को याद करते हैं, तिलका मांझी को याद करते हैं, उन लोगों ने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी,
हम जल जंगल जमीन का नारा जरूर लगा लेते हैं, लेकिन जल जंगल जमीन को उजाड़ कौन रहा है उसके बारे में आज भी अनभिज्ञ है। हमने देखा छत्तीसगढ़ के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां आई, आप सभी आंदोलन करते हो क्योंकि आपकी जमीन हड़पी जाती है, आपको इसका भी होना पड़ा है। एक रिसर्च कंपनी का डाटा आया कि देश के अंदर जो आदिवासी समुदाय है इसमें से 70% आदिवासी अपने जीवन काल में एक बार विस्थापित होता है। अपने जीवन काल में 100-150 साल के अंदर आदिवासी समुदाय एक बार विस्थापित होता है, एक सर्वे रिपोर्ट आई। साथियों, हम विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ इलाके के अंदर जो माइनिंग कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उस कंपनियों से चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के रूप में कौन पार्टियां चंदा ले रही है उस पर भी जाना पड़ेगा। हमारा बेचारा बोला पाला आदिवासी समुदाय क्या समझेगा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लीगली चंदा लिया जाता है। छत्तीसगढ़ के इलाके में माइनिंग करने वाली अधिकतर कंपनियों ने चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड मतलब चंदा दिया करोड़ों रुपयों में, 700-800 करोड़ के आसपास चंदा दिया गया। अब ये हमारा भोला वाला समाज कैसे समझे। साथियों, नारायणपुर के अंदर थल सेना का मैं आया, मुझे जानकारी मिली, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। हम सेना का सम्मान करते हैं, जितना आदिवासी समुदाय देश की आजादी में लड़ा है, जो शहीद हुआ है, जो आज तक जो शहीद हुए हैं उनसे कई गुना है, हम सम्मान करते हैं। लेकिन आदिवासी समुदाय के अंदर सेना के प्रति गलत भावना लाने का काम वर्तमान में किया जा रहा है, वो भावना कैसे आएगी, क्योंकि आदिवासियों की जमीन छड़प के अगर सेना के कैंप लगाएंगे, थल सेना को यहाँ पर जो कैंप रेंज लगाया जा रहा है, तो आदिवासी और सेना के बीच में टकराव वाली स्थिति पैदा हो। पैसा एक्ट में प्रावधान है, शेड्यूल 5 में प्रावधान है कि 5वीं अनुसूची अंतर्गत आदिवासियों की जमीन न सरकार ले सकती है, न ही कोई गैर आदिवासी व्यक्ति ले सकता है। ये किसमें प्रावधान है? शेड्यूल 5 में प्रावधान है। सरकार भी किसी भी परियोजना को लगाने के लिए आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकती है जब तक ग्राम सभा को सहमति नहीं देती। अब ये अधिकार कैसे मिला? 5वीं अनुसूची के अंदर ये अधिकार कैसे मिला हमको? किसी ने दान में दिया क्या? ये हमारे पुरखों ने लड़ा, अंग्रेजों से लोहा लिया, अपनी जान गवाई, इसके बाद अंग्रेजों ने और संविधान निर्माताओं ने विचार किया कि ये समुदाय हजारों सालों से जल जंगल की जमीन की लड़ाई लड़ता आ रहा है, इसलिए उनको विशेष प्रावधान देना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में जल जंगल जमीन नहीं उजाड़ी जाए, इसलिए 5वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। लेकिन आज ये नहीं हो रहा है, पैसा एक्ट की पालना नहीं हो रही है, शेड्यूल 5 के प्रावधान की पालना नहीं हो रही है, बिना सहमति के हर जगह पे। मैं हरदेव गया था, इसमें जब विधायक था वहां पर जाके देखा, फर्जी ग्राम सभा लगा दिया गया, सरपंचों ग्राम पंचायत के लोगों को पता ही नहीं है, फर्जी ग्राम सभा लगा दिया गया। इस तरह की जो गतिविधियां हो रही है, इस मंच पे विराजमान सामाजिक संगठन और सभी पार्टियों के पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि हम जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के इस लेवल तक आए हैं उसका कर्ज अदा करने का आपको काम करना है आने वाले समय में। हम चाहते हैं हमारे देश का विकास हो, हम भी चाहते हैं हमारा देश विश्व में सबसे बड़ी ताकतवर शक्ति बने, लेकिन लेकिन आदिवासियों को खत्म करके उसको ताकतवर शक्ति नहीं बना सकते हम लोग। साथियों, लंबे समय से हमारे इस इलाके के अंदर देखा गया है फर्जी प्रमाण पत्र वाला, कुछ लोग आदिवासियों से नफरत करते हैं लेकिन रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र पूरे देश में बनाए जा रहे हैं, आपके बस्तर में भी बनाए जाते होंगे, छत्तीसगढ़ में भी बनाया जा रहा है, पूरे राज्य में बनाया जा रहा है। साथियों, प्रमाण पत्र क्यों मिला हमें?
हमारे यहाँ कपाल पे या हमारे पीछे कहीं लिखा नहीं है काप आदिवासी, कहीं लिखा हुआ है क्या? एक तो डीएनए से पता चलेगा, दूसरा संस्कृति से पता चलेगा, कल्चर से पता चलेगा, पूजा पद्धति से पता चलेगा। लेकिन धीरे धीरे देश के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारी संस्कृति पे कलम चढ़ाने का काम हो रहा है, हमारी पूजा पद्धति पे कलम चढ़ाने का काम हो रहा है। और धीरे धीरे हम पढ़े लिखे कई लोग संस्कृति को भूलने की बात भी किया जाता है। साथियों, एक लंबे समय से जंग चली रहती है पूरे देश के अंदर। मैं जब सांसद बन के आया और मैंने सांसद के अंदर बोला कि आदिवासी समुदाय गौरवपूर्ण समुदाय, हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कि यहां पर हमें ये राजनीतिक मंच नहीं है, ना ये धार्मिक मंच है, लेकिन ये ज्ञापन दिया उसमें मुझे लिख के दिया गया कि आदिवासी धर्म कोड लागू करने हो। इस ज्ञापन में दिया गया है कि आदिवासी धर्म कोड जारी किया जाए। जब इस बात पे आते हैं, काफी भूचाल आ रहा है, क्यों समस्या आ रही है? पता नहीं माइक भी साथ नहीं दे रहा है, डर गया पूरा माइक ही आपके लगा। साथियों, मैं आज घुमा इस बस्तर इलाके के अंदर कोंडा गांव में, मैंने सभी धर्मों को नजदीक से देखा है, सभी धर्म की धार्मिक परंपरा को भी देखा है, जैन धर्म की परंपरा को देखा है, हिंदू धर्म की परंपरा को देखा है, ईसाई धर्म की परंपरा को देखा है, बौद्ध धर्म की परंपरा को देखा है, लेकिन आदिवासी समुदाय की धर्म परंपरा, भक्ति परंपरा, हमारी पूजा पद्धति किसी भी धर्म से मेल नहीं खाती। इसलिए अपनी आइडेंटिटी को लेके पूरा देश का आदिवासी, आदिवासियों का अलग से धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। क्या इस बात में आप सभी सहमत हो? पक्का? कौन सहमत नहीं है? सहमत कौन नहीं है? सब सहमत है। हम ये कहते हैं कि हमारा बाप हमारे खुद के बाप की बात करते हैं तो दूसरों को दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए, होनी चाहिए क्या? एक जंग छिड़ी हुई है पूरे देश के अंदर। हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन आदिवासियों की अपनी परंपरा, अपनी आइडेंटिटी को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और उसमें जब भी बात करते हैं, मैंने संसद के अंदर भी कहा था कि आदिवासी समुदाय ना हिंदू है, ना ईसाई है, ना सिख है, ना बौद्ध है, आदिवासी आदिवासी है। हमें आदिवासी की संस्कृति, हमारी आइडेंटिटी को बरकरार रखना है। आप सभी के साथ सहयोग से हमारी लड़ाई धर्म की भी नहीं है, एक बात ये भी समझना है। हमारी लड़ाई हमारी संस्कृति बचाने की है, हमारी लड़ाई हमारे इतिहास को, वास्तविक इतिहास को आने वाली पीढ़ी को बताने की है, हमारी लड़ाई रिजर्वेशन की है, हमारी लड़ाई जल जंगल जमीन की है, हमारी लड़ाई आइडेंटिटी बचाने की है। लेकिन धर्म की बात इसलिए बार बार छेड़ी जाती है कि इस देश के अंदर हमने देखा कि आदिवासी समुदाय कई इलाके में ईसाई भी बना हुआ, कई इलाकों में आदिवासी समुदाय महाराष्ट्र का कुछ इलाका उधर मुस्लिम भी बना हुआ है, कुछ इलाकों में आदिवासी समुदाय हिंदू भी बना हुआ है, कुछ इलाकों में आदिवासी समुदाय सिख भी बना हुआ है। इस देश के प्रत्येक कोने में, हर इलाके में आदिवासी समुदाय है, लेकिन अलग अलग धर्मों में बटा हुआ। इसी वजह से छत्तीसगढ़ या बस्तर या किसी झारखंड में आदिवासी समुदाय पे अत्याचार होता है तो देश का आदिवासी एक नहीं हो पा रहा है। हम देखते हैं मणिपुर के अंदर भारत का हिस्सा है, मेटे समुदाय और कुकी समुदाय, दोनों समुदाय आदिवासी है, लेकिन दोनों का धर्म अलग अलग है और धर्म की लड़ाई वो ऐसे मरे हैं, ऐसे लड़े हैं कि आपस में अपने एक दूसरे को काट रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आदिवासियों की अपना अलग से धर्म व्यवस्था होनी चाहिए। कोई किसी को कुछ मानना है माने, हमें कोई दिक्कत नहीं, जिसको जो मानना है। इस देश का संविधान ऐसे हर व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म मानने का अधिकार देता है। और इस देश का पहला उदाहरण भीमराव अंबेडकर जी, अपन सब जानते संविधान निर्माता, उन्होंने अक्टूबर 1956 में 4 लाख लोगों के साथ
बौद्ध धर्म अपनाया। कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। क्योंकि संविधान राइट देता है कि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से मानना है, लेकिन यह सच्चाई है कि आदिवासी समुदाय की अपनी धर्म पूजा पद्धति अनेक धर्मों से अलग है और सभी धर्मों से पहले जिन धर्मों का निर्माण ही नहीं हुआ उस समय से आदिवासी समुदाय अपनी पूजा पद्धति करता है। लेकिन यह देखा गया है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ लोग हमारे आदिवासी समुदाय को धर्मों में बांट के राज करना चाहते हैं। साथियों, मैं कई बार बोलता हूं कि आदमी एक तो शरीर से विकलांग होता है, अपने हाथ या अपने पैर से। अगर हाथ या पैर से विकलांग है, अपन को दिखता है कि इसका हाथ टूटा हुआ है, इसका पैर टूटा हुआ है, लेकिन इस देश में कुछ विचारधारा ऐसी है जो इंसान को दिमाग से विकलांग बनाने का काम करती है। मेरी बात को समझे होंगे आप, किस देश में कुछ विचारधारा ऐसी है जो हमारे समुदाय के कुछ लोगों को दिमागी रूप से, मानसिक रूप से विकलांग बनाने का काम करती है। हम आंखों से आता है उसको कह सकते हैं आगे खड्डा है, वो अपनी बात मान लेगा, लेकिन जो दिमाग से अंधा है उसको कहेंगे आगे खड्डा है तो वो अपन से लड़ने के लिए आएगा। और यही हो रहा है। आप जब अधिकारों की बात करोगे, आप जो संस्कृति की बात करोगे, आप आदिवासी धर्म की बात करोगे, सबसे पहले आपका ही भाई जो मानसिक रूप से विकलांग है वो आपके सामने आके खड़ा रहेगा, आपसे लड़ेगा। यही स्थिति पूरे देश के अंदर बनी हुई है। साथियों, रिजर्वेशन की बात करें, हमें ये दिक्कत है आज तक हमारे आदिवासी समुदाय, हमारे आदिवासी इलाके के अंदर अनेक कटाई होती है, कुछ पार्टियां भी करा दी है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आदिवासियों का भला चाहते हो, आदिवासियों का भला चाहते हो तो दूसरी कथा लगे नहीं लगे, लेकिन संविधान की कथा भी लगाया करो कभी कि आदिवासियों के क्या क्या अधिकार है वो भी बताने की बात करो। सभी प्रकार की कथा चलती है, सभी प्रकार के आरोप आते हैं, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि हमें दूसरी कथा लगे नहीं लगे, लेकिन संविधान के संबंधित कथा लगाया करो, इसमें आदिवासियों के क्या अधिकार है वो भी बताने की बात किया है। हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की शिक्षा है। पहली जो हमें परिवार से और समाज से सीखने को मिलता है, किससे मिलता है? परिवार से, समाज से सीखने को मिलता है, वो पहली शिक्षा है। और दूसरी शिक्षा जो पाठ्यक्रम के माध्यम से नौकरी प्राप्त करने के लिए मिलती है शिक्षा। और तीसरे नंबर की शिक्षा जो किसी पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाई जाती है, वो शिक्षा है आपके संवैधानिक कई अधिकार, आपके इतिहास, आपका कल्चर, आपकी आइडेंटिटी, वो शिक्षा भी प्राप्त करने की जरूरत है। अब हमारे लोग पाठ्यक्रम वाली शिक्षा प्राप्त करके अधिकारी कर्मचारी नेता बन जाते हैं, लेकिन जो हमारे समाज के इतिहास जो किसी पाठ्यक्रम में नहीं दर्शाया जाता है, हमारे समाज के अधिकार जो किसी पाठ्यक्रम में नहीं दर्शाए जाते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर पाठ्यक्रम जो है उस पाठ्यक्रम में शेड्यूल 5 के प्रावधानों के बारे में किस कक्षा में पढ़ाया जा रहा है किसी कक्षा में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? पैसा इकट्ठा हो क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा पाठ्यक्रम में? आदिवासी समाज की बहन बेटियों पे इस देश में 100 साल तक अस्तर टैक्स लगा है। क्या लगा है? अस्तर टैक्स। उसको किसी पाठ्यक्रम में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? आप 6000 साल पुरानी बात को पाठ्यक्रम में पढ़ा रहे हो, लेकिन 300 साल 250 साल पहले हमारी बहन बेटियों पे अस्तर टैक्स लगा, उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? अगर इससे कुछ समय पहले तिलका मांझी बिरसा मुंडा के बारे में तो नहीं पढ़ा जा रहा है? मैंने देखा है एनसीईआरटी के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर आदिवासी समुदाय के इतिहास के संबंधित, आदिवासी समुदाय के अधिकार के संबंधित अगर कहीं छोटा मोटा भी था उसको भी हटाने का काम किया है। एनसीईआरटी की बारहवीं की किताब बिरसा मुंडा का इतिहास लिखा था,
बिरसा मुंडा के उपदेश लिखे थे। बिरसा मुंडा ने कहा था कि आदिवासी समुदाय की पूजा पद्धति अनेक धर्मों अन्य धर्मों से अलग है, वो किसी भी धर्म में मेल नहीं खाती है। बिरसा मुंडा जी ने उपदेश दिया था। एक लेखक ने लिखा था, वो कई सालों से एनसीईआरटी में पढ़ा जाता था, लेकिन 2024 में उसको हटा दिया गया और कहा कि आदिवासी बिरसा मुंडा जी हिंदू धर्म को अपनाना यूके के चले गए, पर वो सच्चाई नहीं था। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं, लेकिन यह बात जरूर है कि आदिवासी समुदाय सभी धर्मों से पहले है। आदिवासी समुदाय के अपने खुद की धार्मिक व्यवस्था है, यह सच्चाई है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इसमें स्पष्ट कर रखा है कि हिंदू विवाह अधिनियम आदिवासी समुदाय पर लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आदिवासी समुदाय हिंदू नहीं है। ये मैं ही कह रहा हूं, ये हिंदू विवाह अधिनियम कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट कह रहे हैं, हाई कोर्ट के कई जजमेंट कह रहे हैं, इतिहास कह रहा है, संविधान कह रहा है कि आदिवासी समुदाय आदिवासी है और सभी धर्म पूर्वी समुदाय है, ये सच्चाई। साथियों, आरक्षण की बात को मैंने थोड़ा अलग वे में थोड़ा लेके परोस बताया। आरक्षण की बात करते हैं, यहां पर लिखा है कि आरक्षण 100% लागू किया जाए। कितना प्रतिशत? शेड्यूल एरिए के अंदर रिजर्वेशन 100% लागू किया जाए। क्या यह सच्चाई है? क्या यह संविधान में प्रावधान है? 100% रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, यह बात आप सब कर रहे हो, मांग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? कर रहे हो। क्या संविधान में इसका प्रावधान है? संविधान में प्रावधान है। शेड्यूल एरिए शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 में जमीन का हो शासन प्रशासन में 100% रिजर्वेशन आदिवासियों को मिलना चाहिए, यह संविधान के अंदर है और इंप्लीमेंट भी हुआ है कुछ इलाकों के अंदर। आंध्र प्रदेश आपका दूर नहीं है, आंध्र प्रदेश राज्य में 100% रिजर्वेशन 7 साल तक मिला। शेड्यूल एरिए की कोई भी भर्ती 1 साल 1 से 1 साल 9 तक की भर्ती में 100% अगर 150 सीटें आई है थर्ड ग्रेड टीचर की तो 150 आदिवासियों से भरी जाएगी, ये प्रावधान है और आंध्र प्रदेश में 7 साल तक लागू रहा, आंध्र प्रदेश के लोगों को मिला। अगर संविधान में प्रावधान नहीं होता तो आंध्र प्रदेश में 7 साल तक नहीं मिलता। अब खत्म कैसे हुआ? कुछ लोग विरोधी लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और वहां मैनेज होके वो मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ। ये प्रावधान है, लेकिन संविधान के मंदिर की और सबसे बड़ा ग्रंथ है संविधान, उस ग्रंथ को कभी नहीं बांटा जाता है, बाकी ग्रंथ की किताबें बहुत बांटी जाती है। तो हमें संविधान के ग्रंथ है उस ग्रंथ को समझना है, उस ग्रंथ को बांटना है, उसको ग्रहण करना है और उसमें हमारे क्या अधिकार हैं, उस अधिकार को समझना है, ये हम सब की जिम्मेदारी। हमने तो जिंदगी निकाल ली, आप सब भी निकाल लेंगे। आप भी संघर्ष कर रहे हो, हम भी संघर्ष कर रहे हैं, नेता बन के कर रहे हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को क्या लेके जा रहे हैं? आप में आया, आपने पूजा पद्धति करवाई, हमारे पूर्वजों को आपने फूल माला पहनवाई, मेरे से क्यों पहनवाई? क्योंकि ये लोग हमारे लिए लड़ मर के गए, हमारे लिए जमीन निकाल के गए, हमारे अधिकार दिला के गए, इसलिए हम अगरबत्ती दिया पूजा पद्धति कर रहे, कर रहे नहीं कर रहे। अगर इन्होंने हमारे लिए भलाई का काम नहीं किया होता तो आज हम उनकी पूजा पद्धति नहीं करते। और हम जो कर रहे हैं आज, हम आवश्यकता वाली भौतिक सुख सुविधा वाली जिंदगी जी के अधिकार खत्म करने वाले लोगों के साथ खड़े रह रहे हैं, तो आने वाले 30-40-50 साल बाद हमारी पीढ़ी जब जंगल जमीन से बाहर हो जाएगी, उनसे छीन लिया जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, पहचान खत्म हो जाएगी, उनकी धार्मिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तब 50 साल बाद हमारी जो पीढ़ी है, हमारा अगरबत्ती दिया नहीं करेगी, करेगी अपनी पूजा पद्धति करेगी, पूजा पाठ करेगी।
क्योंकि हम तो हमारे अधिकार जो है वो खत्म करके जा रहे हैं, हम तो हमारी संस्कृति पे अन्य संस्कृति का कलम चढ़ा के जा रहे हैं, हम तो जो रिजर्वेशन खत्म हो रहा है उसके साथ जा रहे हैं, हमारे लोग टीचर बन गए, कांस्टेबल बन गए, कुछ आईएएस अधिकारी सीआई बन गए, कुछ टीम प्रोफेसर बन गए, हम खुश हो गए, लेकिन देश के अंदर सुप्रीम संस्था है, आईआईटीएन है, आईआईएम है, विश्वविद्यालय है, वहां पर छत्तीसगढ़ का एक भी आदिवासी प्रतिनिधित्व नहीं है आईआईटीएन में। पूरे देश के आईआईटीएन जो है, पूरे देश के विश्वविद्यालय हैं, यहाँ पर आदिवासियों का प्रतिनिधित्व 5% है आज भी। अगर 100 प्रोफेसर हैं तो वहां पर 2-3 आदिवासियों का प्रतिनिधित्व है, और इसमें भी देखा जाए तो हमारे इलाके का आदिवासियों का प्रतिनिधित्व आज भी नहीं है। इसलिए साथियों, मेरा आज आने का उद्देश्य यह है कि हमारे अंदर जागरूकता है, हम हमारे अधिकारों को पहचाने, हमारा दुश्मन कौन है उनको पहचाने, और दुश्मन से इतनी ताकत है कि आने वाले समय में अवश्य पूरे देश का आदिवासी समुदाय एक मंच पे आए। संविधान में प्रावधान इसलिए कर दिया है रिजर्व सीट का, ताकि उस समाज का एमएलए एमपी जाके समाज का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन आज देश के अंदर जिस समाज का सर्टिफिकेट लेके जनप्रतिनिधि जाते हैं, उस समाज के प्रति उत्तरदायित्व कम रहते हैं, उस समाज के प्रति वफादार कम रहते हैं, उस समाज के प्रति जवाबदेही कम रहते हैं। वो जवाबदेही किसके रहते हैं? हाई कमांड के। वो वफादार किसके रहते हैं? वो उत्तरदायित्व किसके रहते हैं? लेकिन हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना है, आप कहीं भी पार्टी में रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे जनप्रतिनिधि को हमें तैयार करना है कि जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व रहे, समाज के प्रति वफादार रहे और समाज के प्रति जवाबदेही रहे, ऐसे लोगों को हमें तैयार करने की सख्त जरूरत है। साथियों, समय काफी हो चुका है, मुझे भी जाना है, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करके जाना चाहूंगा, ये संस्कृति ये आपकी ताकत है, ये बोली भाषा, हल्बी भाषा, गोंडी भाषा, ये हमारी आइडेंटिटी है, और आंदोलन छेड़ना है कि हल्बी भाषा, गोंडी भाषा को राज्य लेवल पे 8वीं सूची के अंदर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजो, और मैं आपकी इस बात को, हल्बी भाषा, गोंडी भाषा, इन भाषाओं को 8वीं सूची अनुसूची के अंदर जोड़ने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखूंगा, और लोकसभा में यहाँ की हर समस्या को लेके, आपके जल जंगल जमीन को लेके, आपके अधिकारों को लेके, आपके बोली भाषा के संरक्षण को लेके अवश्य हम लोकसभा के अंदर आपकी बात उठाएंगे। और मैंने एक चीज देखा है, हमारा टीचर जा रहा है स्कूल में, बच्चा तो हल्बी बोल रहा है, गोंडी बोल रहा है, और टीचर को गोंडी और हल्बी आई नहीं रही है, बच्चा क्या पढ़ेगा, बच्चा ड्रॉप आउट हो रहा है। इसलिए सरकार से मांग करनी है, मेरी ओर से भी मदद करूंगा कि जो भी टीचर लगाया जाए, या तो अलग से पद क्रिएट जाए, किए किया जाए, जो हल्बी और गोंडी भाषा को जानता हो, उस भाषा से संबंधित टीचर लगना चाहिए हमारे आदिवासी इलाके के। या जो भी आरपीसी आपके यहाँ जो एग्जाम होते हैं, उस एग्जाम में ये किया जाए कि 5% या 10% हल्बी भाषा, गोंडी भाषा के नंबर होने चाहिए, जिसको गोंडी और हल्बी आती है उसी को 10% नंबर दिया जाए, ये प्रावधान होना चाहिए, तो ही हमारी भाषा बचेगी, और भाषा बचेगी तो हमारी आइडेंटिटी बचेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको दिल से धन्यवाद, आभार। आप सभी से अंत में यही अनुरोध है कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाना है, हमारे बच्चों को हमारे हक अधिकार को जानने के लिए कहना है, हमें वास्तविकता की ओर ले जाना है, हमें काल्पनिकता की ओर नहीं जाना है, हमें 300 साल पुराना हमारा समाज का जो इतिहास है उसको समझना है, 6,000 साल पुराने इतिहास को नहीं समझेंगे चल जाएगा, लेकिन 400-500 साल पहले हमारे समुदाय के साथ जो अन्याय हुआ है उसको समझने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मंचासीन अतिथि, सारी हमारी नारी शक्ति, सारी महिलाएं, पुरुषों और सारे हमारे आदिवासी समुदाय के युवा साथियों को धन्यवाद।
और एक बात अंत में और कहना चाहूंगा कि हमारे अंदर आदिवासियत होनी चाहिए। हम गोंड है, हाँ आप उराव हो, आप अन्य समुदाय हो, लेकिन आदिवासियों के नाम से सभी को एक होने की जरूरत है। अगर देश लेवल पे हमें हमारे समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना है तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। मैं भले राजस्थान से सांसद हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ की, बस्तर की कोई भी बात आएगी, हम लोग राजस्थान के अंदर आंदोलन करेंगे और देश की संसद के अंदर भी आपकी बात को उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जवाहर, जय भारत, जय संविधान, जय जवाहर का नारा है, जय जवाहर का नारा है, बुढ़ान पैदा, बुढ़ान पैदा। आप सबको आभार, जय जवाहर, सेवा जवाहर।